चलिए अब रुक कर लेते हैं भोपाल का। बड़ी खबर भोपाल से, नहीं सुलझा अब तक सागर में मंत्रियों के विवाद का मामला। अनुशासन समिति में पहुंचा सुशील तिवारी का पूरा मामला। गुना मामले में भी भाजपा अनुशासन समिति में चर्चा। केपी यादव बयान मामले पर भी आज चर्चा। 3 सदस्यीय अनुशासन समिति आज ले सकती है बड़े फैसले। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, निकलकर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर अभी तक सागर के जो मंत्री हैं उनका विवाद नहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अनुशासन समिति में पहुंचा है मामला, और आपको ये भी बता दें गुना मामले में भी भाजपा अनुशासन समिति में चर्चा हो रही है। केपी यादव बयान मामले पर भी आज चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, 3 सदस्यीय अनुशासन समिति आज ले सकती है कई बड़े फैसले। तो अभी तक जो सागर मंत्रियों का विवाद था वो मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अनुशासन समिति में अभी ये मामला पहुंच गया है, और गुना मामले में भी भाजपा अनुशासन समिति में चर्चा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, सागर में मंत्रियों का जो विवाद है वो मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, नया मोड़ ले लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो भी मामला था इसमें हमने देखा लगातार पार्टी की तरफ से इसमें नोटिस दिए गए थे। जिस तरह पूरा विवाद था उसमें इनके समर्थक आपस में थे, सोशल मीडिया पे भी काफी सारे। अनुराग की आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से अनुराग से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभी तक जो सागर के मंत्रियों का विवाद था वो नहीं सुलझा है। सुशील तिवारी का ये पूरा मामला आपको बता दें अनुशासन समिति में पहुंच गया है। गुना मामले में भी आज भाजपा अनुशासन समिति में चर्चा होगी। केपी यादव बयान मामले पर भी चर्चा की जाएगी। 3 सदस्यीय अनुशासन समिति में आज ले सकती है बड़े फैसले। तो बड़ी खबर भोपाल से।